दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरूलाई एसके लाइभमा। अहिले म यहाँ एमजी मार्गमा छु, गान्तोकको एमजी मार्गबाट तपाईँहरूलाई रिपोर्टिङ दिइरहेको छु। र यहाँ म तपाईँहरूको माझमा किन आइरहेको छु भन्दाखेरि, मैले अनि दुईजना साइकल यात्रीहरू भेटाएको छु जो चाहिँ छत्तिसगढबाट हो भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। र उहाँहरू के को विषय लिएर र किन चाहिँ साइकलमा आज यात्रा गरिरहेका छन्, के सन्देश दिन चाहिरहेका छन् साइकलमा यात्रा गरेर भन्ने विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र उहाँहरू हिन्दी भाषी हुनुहुन्छ, त्यसरी उहाँसँग हिन्दी भाषामा बातचित गर्नेछौँ। आप लोग कहाँ से हो और आपका नाम क्या है बताइए। सर मेरा नाम अमर पाटले है और मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हूँ। और बेसिकली हम लोग का जो जर्नी स्टार्ट हुआ था 9 मई को स्टार्ट हुआ था, और 9 मई को रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होकर के पूरा साउथ इंडिया गए, उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली होते हुए जम्मू और यूपी, बिहार करते हुए नेपाल भी गए थे। नेपाल से फिर दार्जिलिंग होते हुए हम लोग सिक्किम में हैं। अभी कितना राज्य बची हुई है? अभी हम लोग का ये सिक्किम हम लोग का 19वां नंबर का राज्य है, बाकी इसके बाद हम लोग का 8 राज्य और 8 से 9 बचेगा। ये साइकिल में यात्रा करने का मुख्य मकसद क्या है आप लोग? हम लोग का एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम लोग देख सकते हैं बोर्ड में लिखा है से नो टू ड्रग्स, तो यूथ के बीच में हम लोग मैसेज देते हैं, स्कूल कॉलेज में जाके ड्रग्स अवेयरनेस का मैसेज देते हैं कि किस प्रकार से ड्रग्स किस प्रकार से नुकसान हो रहे हैं, और उससे कि इसी उद्देश्य से हम लोग पूरा अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। और कितना दिन हो गया है अभी तक कि आप लोग साइकिल के माध्यम से यात्रा करती हुई? हम लोग को 7 महीना हो गया है तकरीबन, और 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा राइड कर ली है अभी तक। और आगे हम लोग का नॉर्थ ईस्ट, असम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग का यात्रा जो है मुख्यमंत्री निवास में ख़त्म होगा, वहाँ पर हम लोग ज्ञापन देंगे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को और वहीं पर ही ख़त्म होगा। सिक्किम में आके आप लोगों ने कहाँ का युवा को भेंटघाट करके उनको संदेश दिया कि ड्रग्स को सेवन नहीं करना चाहिए? सबसे पहले सिक्किम में हम लोग इंटर किए जोरथांग में भी कुछ गैदरिंग के माध्यम से हम लोग यूथ को हम लोग मैसेज दिए हैं, क्योंकि स्कूल में अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि सीजन भी थोड़ा सा है, तो ज़्यादातर गैदरिंग के माध्यम से यहाँ पर दे रहे हैं हम लोग, जहाँ पर युवा मिलते हैं वहाँ पर हम लोग गैदरिंग करते हैं। और सिक्किम में कितने दिन से हो आप? सिक्किम में हम लोग को 4 से 5 दिन हो गया समथिंग। अब कितना दिन आप सिक्किम में रहेंगे? 2 से 3 दिन रहेंगे, फिर हम लोग सिलीगुड़ी निकल जाएंगे। आप कुछ कहना चाहोगे? आपका जो यात्रा है इसमें कौन सपोर्ट कर रहा है आपको? अभी तो हमारे जो यात्रा है इसमें अभी कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी एनजीओ से सपोर्ट नहीं है अभी तक। अभी हमारा जो जर्नी चला 7.5 महीने के आसपास, उसमें हम खुद ही एक्सपेंस कर रहे हैं, और पब्लिक सपोर्ट भी काफ़ी रहता है हमारे बीच में। हम अपने साइकिल पे देख सकते हैं QR कोड लगा कर रखे हुए हैं, तो जिसको इच्छा होता है तो वो दे देते हैं, तो वैसे ही हमारा यात्रा जो है चल रहा है। आप लोग रात को कहाँ पर रहते हो? रात में हम कैंपिंग टेंट है हमारे पास, वहाँ हम कैंपिंग लगा के रहते हैं, कहीं भी मतलब सेफ प्लेस देख के हम कैंपिंग करते हैं, और कैंपिंग में ही हमारा जो है रात जो है कटता है। आप लोगों को टीम से कितने आदमी हैं? हम लोग केवल दो ही जने हम लोग पूरा भारत भ्रमण के लिए निकले हुए हैं, और ये जो भारत भ्रमण निकलने का एकमात्र उद्देश्य है कि आज की डेट में युवा जो पीढ़ी है काफ़ी नशा से बर्बाद हो रहे हैं। ये जब हम छत्तीसगढ़ के बारे में हम बात करते हैं, तो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य छत्तीसगढ़ है जहाँ 35% पूरे मतलब 100% अगर ऑल ओवर इंडिया को लेंगे तो वहाँ 35% का जो रेशियो है गवर्नमेंट का जो डाटा बताता है वो जो है एक मात्र छत्तीसगढ़ में इतना लिया जाता है। और काफ़ी सारे यूथ जब छत्तीसगढ़ आप विजिट करेंगे तो पाएंगे कि इस तरीके के जो नशे हैं इसमें काफ़ी लतपत हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ हमने अपने जो है कम्युनिटी में अपने आस पड़ोस में देखकर हमने ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम पूरे देश में एक बार अवेयरनेस करके हमारे CM को अगर हम ज्ञापन सौंपें कि लिकर बैन हो और नशा का कुछ एंटी ड्रग्स अवेयरनेस स्कूल पाठ्यक्रम में जोड़े, तो कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में ये असर करेगा और थोड़ा सा सुधार तो आएगी। तो इस उद्देश्य से हम पूरे भारत भ्रमण में निकले। सिक्किम में आके आप लोगों ने क्या दिखा? सिक्किम में स्थिति क्या है? सिक्किम में ड्रग यूजर्स कितने मात्रा में, आपको क्या कुछ? सर ये यहाँ जो है लोगों का से बातचीत हुआ, काफ़ी सारे से हमारा इंटरेक्ट हुआ, तो ऐसा बताते हैं कि यहाँ के जो यूथ हैं उन लोग भी काफ़ी सारे कई प्रकार के ड्रग्स हैं उसमें फंसे हुए हैं करके हमने सुना है, और कई जगह देखा भी है अपने आँखों से भी, कई लोग कुछ ले के पड़े हुए हैं, रात में घूम रहे हैं, ऐसे स्थिति हमको देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं सिक्किम गवर्नमेंट को भी इस मामले में बात करने की आवश्यकता है और कुछ न कुछ एक्शन लेने की आवश्यकता
है ऐसा हमें लगता है। और हमारे दो जने से अगर हम 5 दिन रह के भी यहाँ अवेयरनेस करें तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव थोड़ा सा दिखेगा, अगर 0.11% दिख जाए तो भी बहुत है, लेकिन हमें नहीं लगता कि क्या कहते हैं 2-4 दिन करने से होगा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सामने आने पड़ेगी और इसके लिए कुछ मुख्य कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि यहाँ की यूथ बच सके। और यूथ जो है हमारे देश का पावर है, तो कहीं ना कहीं यूथ के ऊपर कार्य करने की है यहाँ के गवर्नमेंट को भी आवश्यकता है। सरकार को क्या कहना चाहोगे यहाँ की सरकार को कि कैसे बदलाव करके हम सुधार ला सकते हैं? मैं ऐसा मानता हूँ कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो वही एकमात्र हमारे पास मुख्य ये है हथियार के रूप में। तो अगर जैसे हमारा जो सोच है, अगर स्कूल कॉलेज में भी एंटी ड्रग्स अवेयरनेस का प्रोग्राम अगर सिक्किम गवर्नमेंट एड करता है तो यहाँ के बच्चे जो रूट है जो ले रहे हैं उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और उनके लिए ये है कि उनको सेल्फ खुद से विल पावर को जुटा के उनको छोड़ना होगा। बट जो छोटे बच्चे हैं इंजॉयमेंट के चक्कर में या कुछ मस्ती के चक्कर में, दोस्त यार के चक्कर में वो जो फंसते हैं, तो इसलिए मैं सिक्किम गवर्नमेंट को कहना चाहूँगा कि एजुकेशन के माध्यम से एक अवेयरनेस प्रोग्राम लाए ताकि जो आने वाली जो पीढ़ी है वो बच सके। दर्शक बिन तपाईले देख्नु भयो जुन चाहिँ छत्तीसगढबाट दुईजना युवाहरू हुनुहुन्छ जो साइकलको यात्रा माध्यमबाट यो सन्देश दिइरहेका छन् कि हामीले ड्रग्स जस्ता लागू पदार्थहरू हामीले जीवनमा सेवन गरेको यसको नकारात्मक प्रभावलाई उहाँहरूले ध्यानमा राख्दै र आउँदो पिँढीलाई चाहिँ यस्तो ड्रग्सको सेवनबाट बचाऊ भन्ने प्रकारको सन्देश दिँदै आइरहेका रहेछन्। र यी यात्रीहरूलाई यदि हामीले सहयोग गर्न चाहियो, यस्तो प्रकारको यात्रामा सहयोग गर्न चाह्यो भने उनीहरूले यहाँनिर क्युआर कोड दिएर उहाँहरूले आफ्नो सहयोगको निम्ति पनि अपिल राखेका रहेछन् र हामीले चाहे पनि उहाँहरूलाई सहयोग पनि गर्न सक्ने रहेछौँ। र यी यात्रीहरूलाई आउँदो यात्राको निम्ति हामी शुभकामना दिँदै यहाँको भिडियोलाई यहीँ अन्त गर्न चाहन्छौँ। हस्त, धन्यवाद। अगर आस्था है तो बंद द्वार भी रास्ता है। समस्या कैसी भी हो, जड़ से होगी गारंटेड समाधान। ज्योतिष परामर्श द्वारा नौकरी, कारोबार, आर्थिक समस्या, विदेश यात्रा, विवाह, मानसिक तनाव, गृह क्लेश, नौकरी में तरक्की, संतान सुख, पढ़ाई में रुकावट आदि निःशुल्क गारंटेड समाधान के लिए आज ही संपर्क करें श्री बालाजी ज्योतिष केंद्र, पंडित तुषार शर्मा, गोल्ड मेडलिस्ट। Contact 6375847663 9635871494. Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities.